कमिशन भी बनिया, जस्टिस अग्रवाल और जस्टिस जैन की कमिशन ने भी इन ऑर्डर दिता, मगर ओदे बाद भी ओदे बावजूद भी यह बंद हुई रही और कोई भी यदि सुनवाई नहीं की जा रही सी। मगर पिछले समय दे विच जिस वक्त सरकारा ते दबाव पाया और लगातार इस दबाव का यह नतीजा होया जिहड़ी SIT बनाई गई सी ओदे विच सज्जन कुमार नू अंदर करता गया। सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज होए और जिहड़ा दूजा केस सुल्तानपुरी दे विच चल रहा है जिहदी विटनेस चल रही है, सानू पूरी उम्मीद है कि ओदे विच भी सानू इंसाफ मिलेगा। और श्रोमणी अकाली दल ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस टीम ने लीगल साड़ी टीम ने जो लड़ाई लड़ी है मैं उन्होंने भी धन्यवाद करदा। सरदार जगदीप सिंह जी कालो साहब, सरदार जसविंदर सिंह जी जौली, ये सारे ने मिल के जिस तरीके दे नाल ए लड़ाई लड़ी है और अज कौम नू इंसाफ दवाउण दे विच जिहड़ी कामयाबी मिल रही है समुची कौम का आशीर्वाद है जिन्होंने साडे ते बनाई रखिया। और सानू उम्मीद है कि जिहड़े अगले केसिस भी ने उन्हों भी ये टीम अगे तक उदू मकसद तक पहुंचाने वास्ते उन्हू सजा दवाउण तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सो मैं अज सारी कौम नू समुची सिख संगत नू इस गल की वधाई दिंदा कि कोर्ट दे विच जिहड़े ऑर्डर किए गए ने चार्ज दे उहदा फैसला 16-12 नू जिहड़ा चार्जिस फ्रेम होने ने और उहदे बाद पूरा सुनिश्चित हो जाएगा कि सज्जन कुमार सारी जिंदगी जेलां चों बाहर नहीं आ सकता। इहदे अलावा जिहड़ी होर लड़ाई कमलनाथ नू लै के जगदीश टैटलर नू लै के साडा डिपार्टमेंट लड़ रहा है लीगल सैल, असीं सारयां नू इह वी विश्वास दवाना चाहुंदे हां कि ऐसी तरीके दे नाल देर जरूर हुई है मगर तीरे तीरे जिहड़ी राहत मिल रही है जिहड़ियां जानां गईयां उस दी भरपाई नहीं कर सकदे, मगर एक संदेश इस देश नू देना चाहुंदे हां कि कौम हमेशा जूझती रही है अपनी बेइंसाफी के खिलाफ और अगे भी जूझती रहेगी। सो मैं समुची टीम का भी धन्यवाद करदा और समुची सिख जगत नू अज दी इस ऑर्डर दे उत्ते वधाई दिंदा। सरदार जगदीप सिंह जी इहदे बारे थोड़ा जा ब्रीफ करनगे तुहानू केस दे बारे। जिस तरह के प्रधान साहब ने सरदार रणजीत सिंह कालका जी ने जानकारी दिती है कि सज्जन कुमार 2018 दे विच एक केस दे विच जो साधनगर का केस सी पालम का उहदे च उम्र कैद ऑलरेडी वह भोग रहा है भुगत रहा है और जेल दे विच है। उस तरह ही जो बाकी FIR सी जो क्लोज हो गई सन SIT ने दोबारा रीओपन कीतियां जिहदे विच एक सुल्तानपुरी की FIR है जिहदी ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही है और विटनेसिस जिहड़े आ उह उहनां दी बयान रिकॉर्ड किए जा रहे ने। इस तरह ही FIR नंबर 458/1991 दी जिहड़ी कि पुलिस वल्लों क्लोज कर दित्ती गई सी SIT ने रीओपन कीती और जिस तरह प्रधान साहब ने दस्या है कि यह बहुत वड्डी एक खबर है और संदेश है कि चाहे वह मछली किन्नी कु वड्डी होवे वो बच नहीं सकती और कौम का जिस तरीके दे नाल इन्होंने सज्जन कुमार ने लीड करके जेनोसाइड किया सी अज ये बहुत वड्डी कामयाबी मिली है और असीं धन्नवाद करते हैं जुडिशरी का भी जिते। सो सज्जन कुमार खिलाफ आए एक वड्डे फैसले नू लैके DSGMC दे नुमाइंदे सिख जगत नू वधाई दे रहे ने।